आप सब कैसे हैं? आज मैं नए नए ब्लॉग के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ राम लड्डू। ये खाने में बहुत ही मजे के लगते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। चलो शुरू करते हैं कि राम लड्डू कैसे बनते हैं। ये देखिए, ये मैंने मूंग के धोले और उड़द की धुली और चने के मैंने पूरी रात भिगो दी है। अब मैं इनको पीसने जा रही हूँ। ये देखिए, मैं दालें इसमें डाल रही हूँ मिक्सी में, और मैं थोड़ी थोड़ी करके पीसूंगी दालों को। जब पीस जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी पीसी है। ये देखिए, मैंने दाल पीस ली है और थोड़ी सी मैंने दरदरी पीसी है। बहुत अच्छे बनेंगे राम लड्डू। और जब मैं इसमें डालूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या डालती हूँ इसमें। ये देखिए, ये मैंने चार हरी मिर्चें ले लिए हैं, और मैंने थोड़े दो चार मूली के पत्ते लिए हैं, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, और इसमें मैंने पुदीना और हरा धनिया ले लिया है। अब मैं इनकी चटनी पीसूंगी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। मेरी चटनी पीस जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पीसी है। ये देखिए, मैं मिक्सी का जार ले आई हूँ। मेरे पास नींबू नहीं है तो मैंने खटाई सुखा रखी थी, मैं वही खटाई डाल रही हूँ इसमें। और ये हरी मिर्चें हैं, और ये मूली के पत्ते हैं दो चार, और मैंने इसमें ही पुदीना और हरा धनिया डाल रखा था। मैं इसको डाल के इसमें चटनी पीस रही हूँ अच्छी तरह। जब पीस जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पीसी है। ये देखिए, जो मैंने चटनी का आपको सामान दिखाया था, मैंने चटनी पीस ली है, और देखिए कितनी अच्छी चटनी पीसी है। ये देखिए, एक मैंने मूली ले ली है। अब मैं इसको छील के कद्दूकस करने वाली हूँ। तब मैं कद्दूकस कर लूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी करी है। ये देखिए, मैंने मूली कद्दूकस कर ली है, और मैंने इसका पानी निचोड़ कर अच्छे तरह खूब प्लेट में रख लिया था। मैंने इसके ऊपर से हरा धनिया डाला है इसके, और थोड़ा सा मूली के पत्ते डाले। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, मेरी मूली कट के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कद्दूकस मैं करके रख चुकी हूँ, और चटनी भी पिस चुकी है। अब हम जाते हैं दाल की तरफ। ये देखिए, मैंने दाल भिगो दी थी, पूरी रात मैंने दाल भिगोई है, फिर मैंने उसके बाद पीस लिया, और मैंने दाल पीसी है थोड़ी सी दरदरी। इससे बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब मैं इसको फेंटूंगी। अब आप देखिए इसका कलर कैसा है, और जब मैं फिट जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसका कलर कैसा हो जाएगा। ये देखिए, मैं दाल हाथ से फेंट रही हूँ। आप चाहे तो किसी फेंटने वाले से भी फेंट सकते हो, पर हाथ से बहुत ही अच्छी दाल फेंटेगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह मेरी दाल मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छी तरह। और देखिए, थोड़ी सी फूल भगाई है। इस पे यहाँ पर एक चम्मच चटनी डालूंगी, क्योंकि जो दिल्ली में मिलते हैं वो अंदर चटनी जरूर डालते हैं एक चम्मच। अब मैं चटनी डाल के थोड़ी देर और फेंटूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, मेरी दाल फिट चुकी है बहुत अच्छी तरह। और ये देखिए, मैंने तेल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। गर्म हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें पकौड़ी कैसे। और ये देखिए कितनी अच्छी खुद ब खुद ही फूली फूली हो रही है अपने आप ही। मेरी पकौड़ियाँ हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जो हो गई है, मैं इनको पलट देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी मेरी पकौड़ियाँ फ्राई हो रही है। ये देखिए, मैं थोड़े से और इन्हें गोल्डन ब्राउन करूंगी। ये देखिए, मेरी पकौड़ी बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है बहुत अच्छी तरह। अब मैं इनको निकाल ली हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो मैंने कद्दूकस करी थी मूली। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मैं अब डालूंगी इस पे ऊपर से चटनी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से चाट मसाला। मेरे राम लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही मजे के लगेंगे और अच्छे लगेंगे। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, और लाइक भी जरूर ही करना।